मैं बहुत वियर्ड टाइम पे रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। 7 बज रहे सुबह के, मूड हो गया, नींद नहीं आई है, सोया नहीं हूँ पूरी रात। पता है क्यों? एक गाना सुन लिया मैंने, फेमस सॉन्ग लेटेस्ट बियॉन्से, कम हियर। एक बात बताऊँ, लेट मी टेल यू, इट्स ओवर फॉर यू, बिकॉज नाउ इंडिया इज टेकिंग ओवर। यार मैं अकेला हूँ जो एम्बेरस फील कर रहा है। आर यू गाइस फीलिंग एम्बेरस्ड टू, या मैं अकेला यहाँ पे एम्बेरस्ड फील कर रहा हूँ? बट बियॉन्से, इट्स ओवर फॉर यू। What do you think? You can make an album against racism and support all that social cause bullshit? What are you telling women all over the world that they're beautiful irrespective of the color, huh? That's what you're gonna do, Beyonce? Chee? Not today. We will teach you, huh? Goria will teach you now. Chee, yaar. Bollywood aa gaya hai Beyonce ko apni aukaat dikhane. Kya matlab Goria is not the superior color? So this new song came out from a Bollywood movie jiska naam hai Beyonce Sharma Jayegi, in which the lyrics go like, oh, तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी, which translates to, oh, white girl, Beyonce will be ashamed of herself after seeing you. उसके आगे भी, girl, 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 dark chocolate thi. मैं पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी। दिस गाय सेज बियॉन्सेस नेटवर्थ इज $400 million। बियॉन्से की टट्टी इज प्रोबब्ली मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट सॉन्ग्स मेड इन इंडिया। और बियॉन्से शर्मा जाएगी, हाँ। और अनन्या का स्ट्रगल तो आपको पता ही होगा, बेचारी कितना स्ट्रगल करती। She had to do it, okay? Struggle के लिए करना पड़ता है। Who knew the answer to all her struggles was to just dance in a song जिसका नाम था Beyonce शर्मा जाएगी। Guys, मेरे को बताओ कौन कौन स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में? हाथ ऊपर करो। हम सब एक्चुअली, ठीक है, जो जो हाथ ऊपर नहीं किए ना, ये चल चल झूठ झूठ किसी और को बोलना, ठीक है भाई। हमको तो बस यही करना है, ये लचकीली, वी हैव टू डू दिस ओनली, सारी स्ट्रगल्स खत्म हो जाती है लाइफ, एंड देन वी हैव टू चैलेंज बियॉन्से, बात खत्म, बॉलीवुड विंस। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो गोरी गोरी करके इतने गाने बने, हर दूसरे गाने में तो पहले गोरी वर्ड यूज होता ही था। गोरी। मुझे भी बनना है बॉलीवुड का सितारा, अपार्ट फ्रॉम सलमान खान। ओके, ए सल्लू भाई को कुछ नहीं बोलने का, इज माय सितारा, ओके, मेरे दिल का सितारा है, बॉलीवुड का भी सितारा है, वैसे भी कुछ बोलोगे तो ही इज द ओनली गाय जिसके गाने में थोड़ा प्रोग्रेसिव मीनिंग बताया, व्हेन यू यूज द वर्ड गोरिया, उसके एक ही अकेला बंदा है जिसके गाने में थोड़ा प्रोग्रेसिवली गोरी हो या काली हो। अब इसमें भी लोग बोलेंगे, व्हाट अबाउट काली पीली नीली गीली, हाँ हाँ, व्हाट अबाउट दैट कलर, हाँ। दैट्स नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज दैट वी नीड टू स्टॉप मेकिंग थिंग्स अबाउट गोरिया गोरिया, सब गोरिया गोरिया क्यों कर रहे हैं, स्पेशली ऑन अ स्केल विच इज एज लार्ज एज बॉलीवुड, जो मतलब इंडिया में उसको पेडेस्टल पे रखा है इतने सालों से। इवन टीयर 2 और 3 सिटीज के लोग जो मुंबई को लोगते, ओ सिटी ऑफ ड्रीम्स, ओ मुंबई, मतलब उनको लगता है मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे को सलमान खान रोज दिखता है और शाहरुख खान तो बाहर सुट्टा पीने आता है। वैसे तो अभी लुकिंग अप वाला पार्ट खत्म हो रहा है, अभी तो लग रही थोड़ी वाट लग रही है बॉलीवुड की। और उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी एक्टर हु इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई और यहाँ पे आके अपने इंस्टा के बायो में model/actor लिखा है ना, उन सब की माँ वही बोलेगी जो मेरी माँ फर्स्ट टाइम मेरे को हुक्का पीते हुए देख के बोली थी, मेरा बेटा ड्रग्स कर रहा है, मेरा बेटा ड्रग्स कर रहा है, मेरा बेटा ड्रग्स कर रहा है। व्हाट सैड इज, अगर अभी क्लब्स वगैरह सब खुले होते, अगर पैंडेमिक नहीं होता, सब क्लब्स वगैरह में अभी नाच रहे होते ना, तो ये बैंगर गाना होता, ये इसी गाने पे लोग लड़कियों को अप्रोच करते, ऐसे दूर से लड़के जाते, और हाँ वो ही लोग जो क्लब में जब घुसते हैं ड्रेक और ट्रैविस के गाने पे एकदम से सोफिस्टिकेटेड डांस करते हैं, एंड रात के 2 बजते ये लोग बॉम्ब डिगी डिगी करने लग जाते हैं। सच्ची, बाय द वे, लेट मी शो यू व्हाट आई फाउंड अबाउट दिस, ओके, दिस इज सो फनी, बियॉन्से रिएक्शन टू बियॉन्से शर्मा जाएगी, रिप्लाई टू बॉलीवुड, इंडिया लव्स मी, क्वेश्चंस बियॉन्से, डैम दैट मस्ट बी हार्ड, लेट्स सी व्हाट इट इज। You see how confused she is? उसके अंदर से सारे emotions बाहर रह रहे, वो sad भी है और she is questioning everything, like why did God give me this life? मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब? Why did God give me my talent, my gift, my family? ताकि बॉलीवुड आके एक ब्लैक सुपरस्टार का नाम लेके बोले कि गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी। हाउ डिड नोबडी इन द होल प्रोडक्शन टीम थिंक अबाउट दिस, मतलब कि अच्छा लिरिक्स जैसा लिखा है, गोरिया किसको शर्मा ना किसको है, बियॉन्से, या शी इज ब्लैक तो गोरिया ब्लैक, हाँ वो क्या आइडिया आया है, वो किसी के दिमाग में नहीं आया।
उनके मुंह पे भी वैसे ही बाल आ गए थे जैसे मेरे मुंह पे आ रहे हैं अभी. उनको भी नहीं दिखा होगा यार, इट्स अंडरस्टैंडेबल. डिसलाइक्स देखे तुमने? डैम, ऑलमोस्ट 1 मिलियन. चलो यार, आई हेल्प यू गाइज रीच 1 मिलियन. या आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑल दिस क्रैप कमिंग आउट ऑफ बॉलीवुड. कौन कौन चाहता है कैरी इस गाने को रोस्ट करे? यस, लाइक येड कमेंट. येड, इतने सारे डिसलाइक्स हो गए कि अभी नाम बदल के ये बियॉन्से. बियॉन्से का स्पेलिंग बदल दिया. बॉलीवुड स्मार्ट मूव, वेरी स्मार्ट मूव. बियॉन्से शर्मा, यस, ये इधर हमारी एनजीओ में काम करती है, बियॉन्से शर्मा. ये कौन है? 1 लाख लोगों ने लाइक भी किया. ये वही वो क्लब जाने वाले लोगों की बात करता ना, 2 बजे के बाद जो बॉम डिगी डिगी में नाचते हैं ना, सेम पीपल, दीज आर द सेम पीपल. एक लड़की, ऑफकोर्स मुझे लगा सनी देओल है. एक आइटम सॉन्ग, ऑफकोर्स इसमें अनन्या पांडे भी अभी आइटम सॉन्ग कर रही है. When people ask me what do you need in a girl, भटकीली, नचकीली, चमकीली. अगली बार टिंडर पे अगर नहीं डालना लचकीली, यू नो ना, टिंडर पे बायो में भी लचकीली, चमकीली, पपकीली, वो ही डालना पड़ता है, अदरवाइज मैच ही नहीं मिलते. यू वोंट गेट एनी सिंगल लेजिट मैच इफ यू डोंट पुट दिस इन योर टिंडर बायो. नाउ दिस होल थिंग टुक अ रियली बिग टर्न ऑन ट्विटर. एवरीबडी स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग टू बियॉन्से, ऑल द इंडियंस एंड ऑल द पीपल हु लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री. ऑब्वियसली मतलब सॉरी बोलने लगे सब. सबको सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है कि ये हमारी इंडस्ट्री कर रही है. एंड दिस इज द time when you're actually home to all the writers, whoever is writing, they actually have a lot more time on their plates than what they usually might have. Because mere hisab se jab normally industry chal rahi thi, a lot of writers and musicians under a label have a lot of pressure to keep coming up with stuff. तब हम देखते हैं कि लोग हकते ये गानों में, including बादशाह के लिरिक्स. Maybe people are just going crazy because of the pandemic. Anyway guys, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई गाने बनाओ, जैसे बनाने बनाओ, stupid बनाओ, lame बनाओ. It's 2020. It's high time you fucking make sure you don't hurt people's sentiments. थोड़ा इधर उधर सुना दो, लोगों को दिखा दो, गाना सुना दो, पूछ लो भाई कुछ ऐसा होमोफोबिक लग रहा है या कुछ रेसिस्ट लग रहा है तो little. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. Anyway, if you like this video, make sure you subscribe to this channel. Yeah, hit like. Don't forget to hit like. Okay. चलो मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है अभी. Yes, मैं सोया नहीं हूँ और इस ये गाना सुन के, fuck ये गाना याद आ गया. Fuck, अब तो और नींद नहीं आएगी.